RK Academy Foundation by Engineer Rajiv Sir. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RK Academy Foundation में। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, कल मैं आपको पार्ट थर्ड करवाया था रीजनिंग में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। मैंने 6 और 7 क्वेश्चन लगभग आपको मैंने प्रैक्टिस करवाया था। आज दोस्तों जानेंगे अपने मिरर और वाटर इमेज और स्लो और फास्ट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आता है रीजनिंग में, उस चीज को जानेंगे। तो दोस्तों, मिरर और वाटर इमेज से जो है ना, 2019 में जो जेई की एग्जाम हुई है, उसमें से 2000 जेई की एग्जाम में लगभग बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके इस टॉपिक से, एक मिरर से एक वाटर इमेज से। एक मिरर और वाटर इमेज से दोस्तों, खास करके जो है ना, जेई के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, जब जेई में पूछा गया है, रेलवे क्या करता है, पीछा पूछा हुआ क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। तो दोस्तों, आने वाले एग्जाम जो है 15 दिसंबर से, तो उसमें पॉसिबिलिटी बनता है कि जो है जेई में एग्जाम पूछा गया था, जो उसका पैटर्न था, उस बेसिस पे जो है ना, आज पूछा जा, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आज ये आपके ये टॉपिक लाया हूँ, मिरर और वाटर इमेज और स्लो एंड फास्ट। या इस पे इसका कोई जो कंसेप्ट नहीं होता, ना इसका कोई थ्योरी होता है। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह का इमेज बन रहा है, ठीक है। ये सारे खेल आपके माइंड पे है। आप यदि माइंड एक्टिव रखेंगे तो आपका प्रश्न सॉल्व होगा। यदि माइंड को आप दोस्तों कंसंट्रेट करके प्रश्न नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको प्रश्न नहीं बनेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना मिरर का प्रश्न देखेंगे, उसके बाद वाटर इमेज का प्रश्न देखेंगे, उसके बाद स्लो एंड फास्ट का जो है प्रश्न देखेंगे। आप घबराएंगे नहीं दोस्तों, किस तरह का प्रश्न बनता है इस टॉपिक से, मैं आपको अभी 5 या 6 क्वेश्चन फुली रूप से कवर करवाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्लो और फास्ट का कौन सा प्रश्न है, और जो है ना, वाटर इमेज का कौन सा प्रश्न है, और मिरर का कौन सा प्रश्न है। तो दोस्तों, मैं इसका जो थोड़ा सा आपको मैं डायग्राम के साथ दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपने आर लिखा, ठीक है, आर लिखा। जब इस आर को आप मिरर के पास ले जाओगे, तो मिरर पे किस तरह का इमेज बनेगा, इसको देखिए। ये मान लीजिए आपका दर्पण हो गया, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये दर्पण हो गया। तो इस आर का किस तरह का इमेज बनेगा मिरर पे, तो दोस्तों इसका जो है ना, मिरर पे डायग्राम बनेगा कैसा, इस तरह का बनेगा। कहने का मतलब, आर अभी आपको सीधी दिख रहा था, जैसे ही आप मिरर के पास ले जाएंगे तो उसका क्या हो जाता है, उसका जो इमेज बनता है बिल्कुल अपोजिट बन जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाया कि जैसे मान लीजिए कि ये अक्षर है आर, ठीक है, इसको यदि मैं मिरर के पास ले जाता हूँ, तो क्या जिस प्रकार आर अभी दिख रहा है, वास्तव में क्या मिरर पे भी इस तरह का दिखता है? जी बिल्कुल नहीं दिखता है। जब आप मिरर के पास ले जाएंगे तो इसका ऑपोजिट इमेज बनता है। कहने का मतलब है दोस्तों, कोई भी वस्तु को जब आप मिरर के पास ले जाएंगे, ठीक है, इसलिए मिरर के पास ले जाएंगे, तो उस मिरर पे किस तरह का इमेज बनेगा, तो आप देख लीजिए। खास करके एग्जाम में आपको जो ये डायग्राम नहीं आता है, ना ही पूछा जाता है आपसे, पूछा ये मैं आपको समझाने के प्रयास से मैंने एग्जाम्पल्स दिया। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ जो है ना, कितना डिग्री तक एंगल्स बन सकता है मिरर पे। तो दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक पॉसिबिलिटी बनता है कोण बनाने का। कितना से, थीटा बराबर 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। इसको भी आपको याद करने का जरूरत नहीं, बस ये आपका बेसिक चीज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके बाद डायरेक्ट मैं प्रश्न पे आऊंगा, क्वेश्चन पे आऊंगा। तो दोस्तों, इसको आप याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बताया। अब देखिए किस तरह का प्रश्न आता है मिरर से, ठीक है। मिरर से प्रश्न, मैंने 2 प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा हूँ, इसको देखिए। अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरह ये प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, जैसे एक प्रश्न है, मिरर इमेज ऑफ द 8.26। कहने का मतलब है दोस्तों, किसी मिरर पे जो है ना, इमेज बन रहा है कितना, मान लीजिए ये जो है ना, कितना मिरर बन रहा है, 8:26। इसको कह रहा है कि निकालने के लिए किस पे, मिरर पे। तो दोस्तों, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका एक ट्रिक, सिंपल सा ट्रिक है। जैसे कल भी मैं आपको 6 क्वेश्चन सोल्व करवाया था, तो उसका भी मैं एक सिंपल सा आपको जो है ना, क्या ट्रिक दिया था, 60/11 बताया था मैंने। 60/11 फर्स्ट डिजिट का क्या कर रहे थे, ऑपोजिट वाली संख्या ले रहे थे और उसमें मल्टीप्लाई कर देते थे, किससे, 60/11 से। तो दोस्तों, आज उस तरह का प्रश्न नहीं है, बिल्कुल आपका जो है ना, टाइप ही चेंज हो चुका है। और जो देखिए इसको जो है ना, ये अभी जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, किसका करवा रहा हूँ, मिरर का। आप जो है ना, चाहे तो आप जो है ना, ऊपर में जो हेडिंग डाल सकते हैं क्या दोस्तों, मिरर। ये जो अभी मैं कम से कम आपको 5-6 प्रश्न करवाऊंगा मिरर का। तो फर्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि मिरर इमेज ऑफ 8.26, कह रहा है कि इसका किस तरह का इमेज बनेगा, ये इसको आपको बताने के लिए कह रहा है। आपके ऑप्शन ए में है 2.34, बी में 5.22, 3 में आपके 3.34 और डी में आपके 9.6। दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल
सिंपल सा आप ट्रिक याद रखें। क्या ट्रिक याद रखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, एक ट्रिक आप याद रखें, 1160 में से माइनस कर देंगे आप तो आपका जो है ना मिरर पर जो इमेज बनता है वो निकल जाएगा। आपके जो प्रश्न में दिया हुआ, आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है 8.26, इसको यदि आप 11.6 में से यदि आप माइनस करेंगे तो आपको जो है वो वस्तु का इमेज निकल जाएगा जो मिरर पे बनता है। किस पे बनता है? मिरर पे बनता है। कहने का मतलब दोस्तों अभी 8.26 जो यहाँ पे ये रियल में इमेज बन रहा है, वास्तविक ये इमेज है, वास्तव वाला इमेज है, लेकिन इसको जब मिरर पे ले जाएंगे तो मिरर पर ले जाने के लिए आपको मिरर वास्तव में मिरर पर लेके नहीं जाना होगा। उसके लिए एक ट्रिक होता है, आप जो है ना इतना यदि आप करेंगे डायग्राम बनाएंगे तो उतने आपके पास टाइम नहीं है और जो है ना आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो उस बेसिस पे आपको सोचना पड़ेगा कि कितना फास्ट हम क्वेश्चन कर सकते हैं। भले आप कंसेप्ट रखिए माइंड में रखिए, लेकिन आपके आपके हैबिट होनी चाहिए, आपके प्रैक्टिस होनी चाहिए फास्ट एंड फास्टली जो है ना फाइंड तक आंसर पहुंचने के लिए। तो दोस्तों 8.26 में से, या दूसरा ट्रिक होता है 23 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये दोनों ट्रिक आप याद रखिए, मिरर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हो। कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको प्रश्न करवाऊंगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज ऑफ द एटीपी, मैंने अभी क्या बताया आपको, ट्रिक क्या बताया, 11.60 में से क्या कर देना, इसको माइनस कर देना, कीजिए 11 ट्रिक लिख लीजिए यहाँ पे ट्रिक। अभी मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, 11.26 में से किसको घटाना है, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है 8.26 दिया हुआ है, तो इसको माइनस कर लीजिए, इसको आप माइनस कर लीजिए, 26 को माइनस कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो आपके यहाँ पे क्या जीरो हुआ, यहाँ भी जीरो, और यहाँ पे दोस्तों आप देखिए इसको माइनस कीजिए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, क्या आ रहा है आपके, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 60। अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे प्रश्न में देखिए यहाँ प्रश्न में लिखा 8.26 है, इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे जो है ना क्या हुआ, 4 हो गया, यहाँ पे 5 बचा 3, और यहाँ पे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो आपके क्या आपका फाइनल आंसर क्या आया, 3.34 आया, क्या आया 3.34 आया। क्या आपके ऑप्शन में दिख रहा है, क्या देखिए ऑप्शन मिलाइए, ए में आपका दिया है 2.34, बी में दिया 5.22, और सी में दिया 3.34, और डी में दिया 9.6। तो दोस्तों आपका फाइनल आंसर क्या आया, 3.34 आया, आपका फाइनल आंसर क्या आया, 3.34 आया। देखिए आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, लेकिन दो जेई में पूछा हुआ प्रश्न है, जे 2019 में जो एग्जाम हुआ है दोस्तों, ये चार पांच क्वेश्चन डायरेक्ट जो है मिरर और वाटर इमेज से पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिस बच्चे को ये फर्स्ट प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं 2-3 प्रश्न और करवाऊंगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्या, मिरर इमेज ऑफ द 5-4-7, क्या है एक मिरर इमेज ऑफ 5-4-7। अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे, फाइंड करेंगे आंसर, तो दोस्तों मैं आपको क्या ट्रिक बताया, 11.60 में से क्या कर देना, माइनस कर देना। किसको माइनस करेंगे, जिसका आपको जो है मिरर पर इमेज पूछा जा रहा है, जिसका आपको मिरर पर इमेज पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे, ट्रिक क्या आपके, ट्रिक है 11.60 में से क्या कर देना, माइनस कर देना। अब बोलेंगे सर माइनस किसको करेंगे, हमेशा उसी संख्या को माइनस करेंगे, वह संख्या आपके प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, और वह संख्या ऐसी संख्या होती है, उसी संख्या के बारे में पूछा जाता है कि मिरर पर किस तरह का इमेज बनेगा, उसी वो जो संख्या आपके प्रश्न में देगा उस संख्या का पूछा जाता है कि जो मिरर पर किस तरह का इमेज बनेगा, और जो प्रश्न में दिया हुआ रहता है वह वास्तव में जो है ना क्या होता है, वो वास्तव में वह संख्या होती है, लेकिन जो है ना उसका इमेज पूछा जाता है, मिरर पर किस तरह का इमेज बनेगा ये पूछा जाता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, ट्रिक वही अपनाइए, 60.60 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना किसको, 5.47 को, कीजिए 5.47 को माइनस करें, तो इसको माइनस कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ 1, यहाँ पे 6। तो देखिए क्या आपके ऑप्शन में इस तरह का दिख रहा है, क्या 6-1-3 कहीं दिख रहा है आपके ऑप्शन में, एम आपके ऑप्शन में क्या है 6-1-3, देखिए आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है 7-1-3, सी में क्या आपके 6-2-2, और डी में क्या नन ऑफ दी। तो दोस्तों आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा 6-1-3।
कुछ नहीं है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ आपके माइंड में ट्रिक रहना चाहिए, बस आप उस चीज को समझे रहेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पे जो ना आप सॉल्व कर देंगे, क्योंकि 15 में 15 आपके जो ना 15 क्वेश्चन जो ना आपके डायरेक्ट रीजनिंग से पूछा जाएगा। और जो है ना दोस्तों यहाँ पे देखिए 15 में से आप चाहेंगे तो 15 में से 15 क्वेश्चन बना सकते हैं, कुछ नहीं होता है, बस आपको जो है ना प्रैक्टिस की जरूरत है और माइंड में आपको जो ट्रिक याद रखने की जरूरत है। तो मैं अभी आपको जो मिरर से रिलेटेड 2 प्रश्न करवाया हूँ और जो देख लीजिए, यदि इसमें किसी को भी दिक्कत हो आप कॉमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ दोनों प्रश्न को। प्रश्न क्या आपके मिरर इमेज ऑफ 826, प्रश्न क्या है मिरर इमेज ऑफ 826, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपके पास है। अब इसको कह रहा है कि बताइए कि इसका इमेज कैसा बनेगा, तो इसको जो ना इमेज को दिखाने के लिए हम दर्पण के ऊपर नहीं रखेंगे, उतना आपके पास टाइम भी नहीं है, ना ही आपके पास डायग्राम बनाने का समय है। एग्जामिनर आपको डायरेक्ट कहता है कि आप ऑप्शन तक पहुंचिए, ऑप्शन को टिक कीजिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रिक का अप्लाई करेंगे। कौन सा ट्रिक, 1160 में से माइनस कर देंगे जिस संख्या जो संख्या का जो है ना मिरर पर इमेज पूछा जाएगा, या 2360 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे किसको जिस संख्या का जो है ना पूछा जाएगा कि मिरर पर क्या इमेज बनेगा। तो दोस्तों इसको मैंने क्या किया, जो भी बताया मैंने वही किया, ट्रिक क्या आपके 1160 में से माइनस कर देना, कितना आपको माइनस करेंगे, आपके प्रश्न में क्या है मिरर इमेज ऑफ 826 को मैंने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद आपको जो 334 आपका फाइनल आंसर आया जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, आप इसको टिक कर देंगे। मैं ये प्रश्न जो है ना मैं अपने से नहीं बनाया हूँ, आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके 2019 में ये प्रश्न आया हुआ था रेलवे में, तो दोस्तों इसलिए मैं इस प्रश्न को लाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मिरर इमेज ऑफ 547, सेम टू सेम प्रश्न है, वही आप कंसेप्ट अप्लाई कीजिए, वही ट्रिक आप अप्लाई कीजिए, आपके इसमें भी 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, 1160 में से माइनस कर देंगे जिसका इमेज पूछ रहा है, किस पे इमेज पर क्या बनेगा उसी संख्या को मैं माइनस किया। अब देखिए आपके प्रश्न में दिया हुआ है 547 को, करा कि 547 का क्या इमेज बनेगा किस पे मिरर पे, तो उस संख्या को मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, माइनस किया तो आपका फाइनल आंसर क्या आया 613 आपका फाइनल आंसर आया। क्या आपके ऑप्शन में दिख रहा है क्या, जी आपके ऑप्शन में दिख रहा है, आपके ए में ही ऑप्शन, ए ऑप्शन में क्या है 613, बी में क्या है 713, सी में क्या है 622, डी में क्या है नॉन ऑफ दीज, क्या है नॉन ऑफ दीज, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ए में आपका आंसर आया हुआ है 6 1 2 3 1 3, क्या आपके आया 6 1 3। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न आप कम से कम 20-25 प्रश्न सॉल्व करें। आप बोलेंगे सर ये मेरे को प्रश्न मिलेगा कहाँ पे, आप जो है ना सरकारी.com से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके पास घटना चक्र है, या आपके पास कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का आपके पास बुक है तो उसमें जरूर दिया होगा, आप रीजनिंग का बुक उठाए और चैप्टर निकाले क्लोक में, जैसे मैं आपको बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स निकालने के लिए, उसके बाद मैं आपको कल ही बताया था जब जब सुई जो है एक दूसरे को अपोजिट हो जाती है तो उसका इमेज ना कब एक दूसरे से जब एक दूसरे से अपोजिट हो जाती है तो वो भी बताया था, उसके बाद एक सीधी रेखा वाली बताया था। कहने का मतलब ये सारे जन क्लॉक का टाइप है, मैंने आपको कम से कम 4-5 टाइप्स आपको बता दिया, उसके बेसिस पे मैं आपको प्रश्न भी करवाया। उसी प्रकार आज का जो टाइप है, आज आपका है मिरर वाटर सोलो एंड फास्ट, तो आप जैसा ही निकालेंगे आपको जो है ना इस तरह का प्रश्न उसमें देखने को मिलेगा और उसको आप सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं है, आप जो है ना इधर उधर भटकने से बेहतर है कि सिंपल सा ट्रिक अप्लाई कीजिए और आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट आपको मैं अभी करवाऊंगा वाटर इमेज, मिरर से मैंने 2 क्वेश्चन करवाया, अब मैं आपको करवाऊंगा वाटर इमेज से, वाटर इमेज का प्रश्न किस तरह आता है अभी मैं आपको आपके पास दिखाऊंगा और सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो स्लो एंड फास्ट का किस तरह का प्रश्न आता है इसको मैं अभी आपके पास लाऊंगा। तो दोस्तों इसको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप जो है ना नोटबुक में नोट कर लें। दोस्तों अब देखेंगे वाटर इमेज का प्रश्न, तो वाटर इमेज का सिंपल जिस प्रकार आपने मिरर का प्रश्न देखा सिंपल सा और बहुत ही आसान था, आप सिंपल रूप से क्या कर रहे थे 1160 में से माइनस का करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिल रहा था। तो दोस्तों उसी प्रकार वाटर इमेज में भी कुछ नहीं है, बस आपको एक ट्रिक मैं बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों बहुत प्रश्न बच्चे जो है कमेंट्स में करता है कि सर आप जो है ना इसका डिटेल आप देखेंगे कि इस चैप्टर का कहीं कोई किसी भी कोई भी यूट्यूबर आपको जो है ना कोई भी थ्योरी नहीं लिखा सकता है, क्योंकि इसका कोई थ्योरी होता ही नहीं है, सिंपल सा माइंड बेसिस प्रश्न बनता है। और दोस्तों
एक ट्रिक ट्रिक के माध्यम से ये प्रश्न सॉल्व होता है। सिंपल रूप से ये जो ना ट्रिक के माध्यम से ही आप सॉल्व कर सकते हैं और फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वाटर इमेज का जो प्रश्न है, वाटर इमेज का प्रश्न देखेंगे अभी। तो वाटर इमेज का प्रश्न मैंने अभी लिखा है बोर्ड पे, आपके दो प्रश्न लिखा है। करें वाटर इमेज ऑफ 622, इसका क्या इमेज बनेगा? पानी में जो है ना 622 का क्या इमेज बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? तो दोस्तों देखिए आप बढ़िया, वाटर इमेज ऑफ 622 का इसका इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पे लिखा हूँ, वाटर इमेज ऑफ 1145। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप एक ट्रिक नोट करें बुक में, नोट में इसको जो है 1830 में से माइनस कर देना है, या 1790 में से क्या कर देना, माइनस करना है। अब बोलेंगे सर ये किस बेसिस पे बता रहे हो आप, कैसे हम कौन से प्रश्न को 1830 में से माइनस करेंगे और कौन से प्रश्न को 1790 में से जो है माइनस करेंगे। दोस्तों इसके इसके लिए आप एक चीज माइंड में रखिए, 1830। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 1830 में से माइनस करेंगे, 1790 में से माइनस करेंगे। यदि इस 1830 में से तब माइनस करेंगे जब 30 से कम हो, क्या हो, 30 से कम हो। इसको आप नोटबुक में लिख ले, 30 से कम हो, कहने का मतलब है 30 से कम हो। यदि मान जैसे देखिए यहाँ पे 1830 है, मान लीजिए यहाँ पे 1945 आ गया, तो आप कैसे माइनस करेंगे, क्या संभव है कि यहाँ पे माइनस करना? जी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आप याद रखेंगे 1830 में से कब माइनस करेंगे, जब प्रश्न में 30 से कम वाली संख्या दिया हुआ हो। कब याद, कब माइनस करेंगे, 30 से कम संख्या वाली, 30 से कम वाली संख्या दिया हुआ हो तब हम किस में माइनस करेंगे, 1830 में से। और मान लीजिए कि इससे अबव वाली संख्या दे दिया तब हम किससे माइनस करेंगे, 30 से अधिक वाले, यहां लिख लीजिए 30 से अधिक वाली संख्या, अधिक 30 से अधिक होगा तो 1790 में से माइनस करेंगे, और 30 से कम होगा तो 30 से कम होगा तो 1830 में से माइनस करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है, वाटर इमेज ऑफ 622, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सिंपल सा, मैंने इसमें आपको जो है ना ऑप्शन नहीं दिया, आप डायरेक्ट मैं आपको जो है ना सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिख लीजिए। ये आपका जो वाटर इमेज का प्रश्न जो अभी करवा रहा हूँ ये एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1830 में से माइनस करेंगे किसको, 622 को। तो माइनस कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 8, यहाँ क्या हो गया आपका 0, और यहाँ पे क्या हो गया, तो इसका फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1208, क्या हो जाएगा, 1208 इसका फाइनल आंसर होगा। कहाँ पे दोस्तों, ये वाटर इमेज के लिए है। वाटर इमेज में कितना में से माइनस करेंगे, 1830 में से, और जो है ना मिरर में कितना में से माइनस कर रहे थे, मिरर में 1160 में से या 2360 में से माइनस कर रहे थे। उसी प्रकार जो है ना वाटर इमेज में से 1830 में से माइनस करेंगे या 1790 में से माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इमेज ऑफ 1145, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी सिंपल सा है। तो दोस्तों देखिए 1145 क्या 1830 से कम है, बिल्कुल कम है। कैसे प्रश्न को पकड़ेंगे और कैसे ट्रिक अप्लाई करेंगे इस चीज को माइंड से समझिए। यहाँ पे क्या है, प्रश्न में आपको 1145 है, आप मैंने आपको क्या बताया 1830 में से माइनस करना है, कब हम 1790 में से माइनस करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आ जाता 1645, तब हम किस में से माइनस करते, 1790 में से माइनस करते। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए क्या 45 यहाँ पे क्या है 11:45, इसको किस में से माइनस करेंगे दोस्तों, 1830 में से या 1790 में से। मैंने अभी क्या बताया, 30 से जब कम हो तो 1830 में से माइनस करेंगे, यदि 30 से अधिक हो तो 1790 में से माइनस करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सा ट्रिक अप्लाई करें, फर्स्ट नंबर वाला ट्रिक अप्लाई करें या सेकंड वाले को ट्रिक अप्लाई करें। सिंपल सा है दोस्तों, आपके प्रश्न से ही क्लियर हो जाएगा कि हमको कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है, अकॉर्डिंग जन आपको जो है ना ट्रिक याद होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में भी हम क्या करेंगे, 1830 में से 1830 में से कितना को माइनस कर देंगे, 1145 को माइनस कर देंगे, माइनस कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फाइनल आंसर आ जाएगा
ये आप इसको बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब जो है इसके 18-30 में, 18-30 में से माइनस करके आपको मैंने दो प्रश्न करवा दिया, कब करो बस इस चीज को याद रखिए, क्या 6 जो है ना 18-30 से कम है? जी बिल्कुल कम है, इसलिए किसको में, किसमें से माइनस करना है, 18-30 में से माइनस करना है। 11-45 18-30 में से 30 से कम है, कम है, इसलिए जो 18-30 में से इसको माइनस करेंगे। अब जो प्रश्न मैं अभी दो प्रश्न करवाऊंगा, अब आपको वो प्रश्न करवाऊंगा जो कि 30 से अधिक हो, जो कि 30 से अधिक हो, जो कि 30 से अधिक हो, यदि 30 से अधिक रहेगा तो हम किसमें से माइनस करेंगे, 18-30 में से माइनस ना करके 17-90 में से माइनस करेंगे, क्या करेंगे 17-90 में से माइनस करेंगे। तो अभी मैं आपको ऐसे भी प्रश्न आपको करके दिखाता हूं। तो दोस्तों एक प्रश्न देखिए यहाँ पे, ये भी एसएससी के पूछा प्रश्न है, कह रहा है वाटर वाटर इमेज ऑफ 1140, ऐसे प्रश्नों कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा है, 1790 में से क्या कर दीजिए आप, माइनस कर दीजिए किसको, 1145 को। क्यों करेंगे आप, यहाँ पे सवाल कर सकते हैं सर 18-30 में से तो इसको माइनस कर सकते हैं, आंसर ले सकते हो। मैंने क्या बताया था, 18-30 में से तब तो माइनस करेंगे जब 30 से कम होगा, जब 30 से कम होगा, जब 30 से अधिक होता है तो 17-90 में से माइनस करते हैं। तो देखिए आपके प्रश्न में जो 11-45 है, क्या 45 जो है ना 30 से ज्यादा है, इसलिए ये ट्रिक ना अप्लाई करके हम कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे, 17-90 ट्रिक अप्लाई करेंगे, 17-90 में से माइनस करेंगे किसको, 11-45 को। समझिए यहाँ पे मैंने अभी क्या बोला, इस 30 से यदि कम रहेगा, 30 से कम, 30 से जब कम रहेगा तो हम 18-30 में से माइनस करेंगे, यदि 30 से अधिक रहेगा, 30 से अधिक रहेगा, इसको नोट कीजिए, मैं बार बार आपके आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, 30 से अधिक रहेगा तब जो है ना 17-90 में से माइनस करेंगे। इस प्रश्न से आपको समझ में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 11-45 है तो 45 जो है 30 से अधिक है, मैंने अभी क्या लिखा 30 से अधिक है, इसका मतलब ये ट्रिक ना अप्लाई होकर कौन सा ट्रिक अप्लाई होगा, 17-90 वाला ट्रिक अप्लाई होगा, इसलिए मैंने इसको 17-90 में से माइनस कर दिया, किस कितना को, 11-45 को, इसको आप माइनस कीजिए यहाँ पे, 5 यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे आपके 6, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 645, क्या हो जाएगा 645, ये आपका फाइनल आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार जो है वाटर इमेज से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको जो है 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि आगे भी सिलेबस है, इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी मैं आपको टाइप बताता हूँ, जिस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न करवाता हूँ, आप इसको जो है घटना चक्र से या कहीं से भी आप जन पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप प्रश्न को बना सकते हैं, वहां से आप जन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि मैं आपको जो है ना हर टॉपिक का 50 क्वेश्चन करवाऊं, ऐसे में क्या होगा आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए मैं जैसे अभी मिरर का मैं आपको दो प्रश्न करवा दिया, आप मिरर वाला चैप्टर उठाइए उसको बनाइए, उसके बाद अभी वाटर इमेज से रिलेटेड मैं आपको बता दिया, ट्रिक बता दिया और किस तरह सॉल्व करना ये भी मैंने बता दिया। तो आपका आज का जो होमवर्क होगा दोस्तों मिरर और वाटर का मैं अभी तक करवाया हूँ, एक और बचा आपका स्लो एंड फास्ट, तो स्लो एंड फास्ट का भी सिंपल सा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी करवा दूंगा। तो आज आपका होमवर्क रहेगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दो प्रश्न लिखा है मैं आपके लिए, एक मिरर इमेज ऑफ 22 लिख दिया मैं, दूसरा लिखा है मिरर इमेज ऑफ 1125, ये मिरर का प्रश्न है, एक वाटर का होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको, वाटर वाला है दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए, वाटर इमेज ऑफ 218, ठीक है। तो दोस्तों ये इसको भी आप सॉल्व कर लेना, वाटर इमेज ऑफ 3 प्रश्न मैं आपको दिया हूँ होमवर्क, आप सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना कि मेरे को ये फाइनल आंसर आया है। तो दोस्तों आज मैं आपको मिरर और वाटर का कंसेप्ट क्लियर किया और साथ ही साथ मैंने आपको प्रश्न यहाँ पे बना के दिखाया किस तरह जो है हम ट्रिक अप्लाई करते हैं, ये ट्रिक दोनों का ट्रिक याद रखना और आप ये प्रश्न बना के आना। ये 3-4 प्रश्न बनाने से आपका जो है ना प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, इसके लिए आपको हर टॉपिक से कम 15-20 प्रश्न जब बनाएंगे तब आपकी जो है ना हैबिट हो जाएगी और फास्टली आपका माइंड सोच पाएगा कि कौन सा ट्रिक हम अप्लाई करें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न करवाता हूँ, जो भी ट्रिक बताता हूँ, उससे रिलेटेड आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करें।
दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखें, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूले और नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूँ आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।